हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, तो सबसे मिल मिला के रेडी हो के सुबह 8 बजे, 8:30 बजे निकल रहे हम। तो यहाँ पे मैं, श्रियांश के पापा थे और गाड़ी वाले भैया थे, वो मेरा भैया था जो छोड़ने आया था एयरपोर्ट, ग्वालियर एयरपोर्ट। तो सबसे पहले हम ग्वालियर एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। तो हमारी 12 बजे से फ्लाइट है और हम लोग यहाँ पर 10 बज गए थे हम लोगों को आते आते। तो हम लोगों को यहाँ पर 1 घंटा वेट करना है, फिर 12 से 1 बजे दिल्ली में लैंड करेंगे, फिर दिल्ली से 2 घंटा वेट करेंगे, फिर 4 बजे हमारी भुवनेश्वर के लिए फ़्लाइट है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर और जा रहे हैं, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है अंदर तक जाने के लिए। लीजिए, पहुँच चुके हम एयरपोर्ट। यहाँ से हम अपना सामान वामान लेके अंदर जाएंगे। यहाँ भैया मिल रहे थे और भैया को बोला बाहर वेट करना, क्योंकि सामान ज़्यादा हुआ तो वापस करना पड़ेगा। तो भैया रुके थे वहाँ पर, वेट कर रहे थे। तो हम यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। श्रियांश तो इधर सोफे पे बैठ गए थे और श्रियांश के पापा लगेज चढ़ा रहे थे उस पर। तो लगेज वगैरह चेकआउट हो चुका है, उधर आगे जाएंगे हम। अब तो यहाँ पर हमारा लगेज चेक हो चुका है कि इसमें कोई आलतू फालतू सामान तो नहीं है, तो कोई नहीं था उसमें। तो हम वेटिंग रूम में वेट करेंगे 1-1.5 घंटा, फिर उसके बाद मतलब अंदर जाएंगे, चेकआउट करेंगे। बैठे हुए हैं वेटिंग एरिया में, यहाँ पे वेट कर रहे हैं। श्रियांश खेल रहा था, बढ़िया अच्छा लग रहा था। पहली बार एयरपोर्ट पर आई हूँ, तो ग्वालियर का तो बहुत छोटा है, दिल्ली का तो काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पे लगेज वेट करने के लिए इधर लाइन में लगे हुए हैं और काफ़ी भीड़ थी, तो धीरे धीरे होता है सब। और उसके बाद मुझे लग रहा था कि सामान ज़्यादा होगा, पर सामान ज़्यादा नहीं था, 1 में 14 किलो, 1 में 12 किलो था, तो अच्छा ही था, ज़्यादा सामान नहीं हुआ, वरना बाहर देना पड़ता भैया को। और हम लोग जल्दी अभी आगे की तरफ अंदर बैठेंगे उधर। तो यहाँ पे CISF वाले चेकिंग के लिए लगे हुए हैं, तो अभी लगे यहाँ से सीधा फ्लाइट पर पहुँच जाएगा। और जो हमारा हाथ वाले बैग हैं, श्रियांश को फीड कराने के लिए आई थी, तो देख लीजिए मस्त रूम था, तो श्रियांश उसमें मस्त खेल रहा था, उसको अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो मैं श्रियांश को इधर ही कम से कम 20 मिनट तक खेला था यहाँ पर, फिर उसके बाद हम निकलेंगे फ्लाइट में बैठने के लिए।
तो ये देख लीजिए हमारी फ्लाइट रखी हुई है और ये सिंगल फ्लाइट है इधर, वो भी दो दिन में एक बार जाती है, ग्वालियर एयरपोर्ट छूटा है ना इसीलिए। और यहाँ पर लोग वक्त वेट कर रहे हैं, तो बस हम लोग भी वेट कर रहे थे। यहाँ पर छोटी सी कैंटीन थी, सुरेंद्र के पापा बोले कुछ खा लो, पर बहुत महंगा था तो मेरा मुझे भूख। तो यहाँ पर बोर्डिंग पास वगैरह सब चेक कर लिए थे, हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो ये देख लीजिए ग्वालियर का एयरपोर्ट ऐसा ही छोटा सा, तो बढ़िया था, पहली बार था तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो ठीक ही लग रहा था। और यहाँ पर वीडियो शूट या फोटो के लिए मना कर रहा है, फिर भी मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो हम लोग बैठ चुके हैं फ्लाइट में, ये देख लीजिए काफ़ी खाली गई थी फ्लाइट, फिर भी लोग भक्त थे। यहाँ पर सिरियांस बढ़िया खेल रहा है अभी, तो आगे पता नहीं कैसा होगा, तो देखते हैं। तो यहाँ पर फ्लाइट रनवे पर खड़ी हुई है, तो अभी चलती है धीमे धीमे। और ये आ गए हम हवा में, मस्त बादलों में, अच्छा लग रहा था। ये मुरैना का वेदर साफ नहीं था, मुरैना ग्वालियर का, दिल्ली का तो अच्छा था। तो हम लोग एक घंटा लगेगा हमें पहुंचने में, तो बढ़िया लग रहा है एकदम बैठ के। नीचे ज़मीन दिख रही है हम बादलों में, और ये देख लीजिए ब्यूटीफुल से बादल हैं, अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो ये लीजिए हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, ये लैंड करने वाली है 10-5 मिनट में। तो ज़मीन देखने लगी थी दिल्ली, काफ़ी भीड़ भाड़ दिल्ली में, काफ़ी जनता बसी हुई है, तो वही हम लोग बस लैंड करने वाले हैं। तो ये लीजिए हम लैंड कर चुके हैं। काफ़ी फ्लाइट रखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो विदेश विदेश कहीं भी फ्लाइट जाती रहती है यहाँ से।
दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, खाना वाना खाएंगे और अगली फ्लाइट हमारी 4 बजे की है, तो हम अभी तो वेट करेंगे श्रेयांश को भी। और एयरपोर्ट के अंदर आपको तो पता ही है बहुत महंगी चीज़ बिकती है, तो यहाँ पे ये टॉयस वगैरह बेच रहे थे, तो मैं श्रेयांश के पापा से बोल लिया एक टॉय ले लेते हैं, तो बोल रहे बहुत महंगा मिलता है बाहर से ले लेंगे, मन का ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे फिर हम जाएंगे ऊपर डिपार्चर में। तो श्रेयांश भी उठ गया था और हम जा रहे हैं ऊपर डिपार्चर में, तो हम जाते हैं टर्मिनल 2 पे जाएंगे क्योंकि हमारी फ्लाइट उधर ही है, तो हम लोग जा रहे हैं उधर ही। और ये आ गए टर्मिनल 2 पर, यहाँ पे लोग बाग मतलब लेने आते हैं टैक्सी या कार वगैरह से, तो यहाँ से ही आते हैं ऊपर, तो यहाँ पे लोग बाग आ जाते हैं बाहर से, अंदर से बाहर, तो हम लोग भी चलते हैं अंदर की तरफ। और देख लीजिए यहाँ पे लोग बाग जो भी आते हैं, तो टैक्सी वगैरह कार वगैरह सब लोगों की रखी हुई है, और ये डिपार्चर टर्मिनल 2, तो इसके अंदर ही जाएंगे हम। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर, तो यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नहीं जा सकते अंदर की तरफ, लाइन बाई लाइन जाते हैं। तो हम लोग आ गए अंदर और वहाँ पर CISF वाले बंदे, तो CISF की नौकरी तो मस्त ही है, कुछ नहीं करना होता है, बस पूछना होता है ये वो, और बोर्डिंग पास देखना होता है, बस चेकिंग वेकिंग करना पड़ता है, तो बस यही था। और हम चलते आगे की तरफ। यहाँ पर खाना वाना खाएंगे, वेट करेंगे और श्रेयांश को भी खाना वाना खिलाएंगे और रेस्ट करेंगे आराम से। यहाँ पर मॉल है, मॉल को भी घूमेंगे। तो बस यही था, दिल्ली तक आ गए हम और यहाँ से घूमने के लिए अगली फ्लाइट है 4 बजे। तो बस मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पर हमने खाया था डोसा, बाकी कुछ पसंद नहीं आया ज़्यादा।